सतना में राजकीय रेलवे पुलिस का एक नकली एएसआई पकड़ा गया है। वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाले इस नकली पुलिसकर्मी ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर स्टूडेंट से रुपए भी ऐंठे थे। जीआरपी अब इस ठग से पूछताछ कर रही है। हासिल जानकारी के मुताबिक सतना रेलवे स्टेशन के पास होटल महामाया के पास से जीआरपी की वर्दी पहने एक युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़कर जीआरपी सतना को सुपुर्द किया है। पकड़े गए युवक ने पुलिस की खाकी वर्दी पहन रखी थी और कंधे पर एक स्टार भी लगा रखा था। पूछताछ में उसने पुलिस को अपना नाम अंकित साकेत निवासी ग्राम मेहूती बताया। पुलिस ने बताया कि खुद को अंकित साकेत बताने वाले इस युवक ने मैहर के नकतरा निवासी दो देवेंद्र चौधरी और अतुल वर्मा को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। उसने उन्हें कहा था कि वह सतना रेलवे स्टेशन के बंद पड़े एस्केलेटर में उन्हें काम पर रखवा देगा। इसके एवज में उसने युवकों से लगभग 22,000 रुपए भी वसूले थे। कई महीनों से दोनों युवक चक्कर लगा रहे थे, लिहाजा कुछ दिनों पहले उन्होंने अंकित से नौकरी नहीं दिला पाने पर अपने रुपए वापस मांगना शुरू कर दिया। रुपए देने से बचने के लिए अंकित उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे के लेटर पैड पर एक ज्वाइनिंग लेटर देखकर उनका माथा ठनका और संदेह हुआ तो उन्होंने शुक्रवार की दोपहर अंकित को यह कहकर होटल महामाया के पास बुलाया कि उन्हें ज्वाइनिंग के बारे में कुछ समझना है। इसी के साथ उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस को भी सूचना दे दी। जैसे ही एएसआई की वर्दी में अंकित वहां पहुंचा, सिटी कोतवाली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पहले उसे सिटी कोतवाली ले जाया गया और फिर बाद में जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी में शुरुआती पूछताछ में नकली एएसआई ने पुलिस को बताया कि वह 10वीं पास है। उसे वर्दी स्टेशन के पास एक बैग में पड़ी मिली थी जिसे उसने रौब झाड़ने के लिए पहन लिया। घर में कुछ आर्थिक दिक्कत थी इसलिए उसने दोनों लड़कों को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। अब जब लड़के नौकरी अथवा पैसा मांगने लगे तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। वर्दी पुलिस की जीआरपी की वर्दी लगा के घूम रहे हो? कितने साल से घूम रहे हो? कितने दिन हो गया? क्यों लगाए हो? समस्या थी? क्या समस्या आ गई? वर्दी लगा घूम रहे हो? अभी तक कितने लोगों को शिकार बनाए हो तुम? वो लड़के बता रहे कि तुमने 1.5 लाख रुपए उनसे लिया। नहीं सर, नहीं लिया, आज तक मैंने नहीं लिया। 1.5 लाख कितना पैसा दिए थे लड़के? 12-12 हजार। बाकी बाकी नहीं दिया। किस बात का 12-12 हजार लिए थे? मैंने बोला कि मेरे पास में वो प्राइवेट जॉब थी। कहाँ? नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।